हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीवी के विंग्स में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए मैं आप लोग चीज़ दिखाती हूँ। मेरे डेविल जो है आप इनको देख सकते हैं। ये मेरा कुत्ता है, हाँ है, ये मेरा चूहू है। और फ्रेंड्स, मैं जब से आई हूँ तब से ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स, आइए मैं आपको अपने गार्डन में एक चीज़ दिखाती हूँ। कल सांसद जी ने वृक्षारोपण किया है, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, सांसद जी ने यहाँ पर गेंदे का फूल लगाया है और यहाँ पे भी लगाया हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप इसमें क्या है, फ्लावर निकला हुआ है। और फ्रेंड, सांसद जी ने जो है नीम का भी पौधा लगाया हुआ है। पौधा नहीं लगा, वो पेड़ होता है। तो चलिए, हम चलिए आपको नीम का पेड़ दिखाते हैं हम लोग क्या, मैं अकेली ही हूँ इस टाइम। अच्छा, वहाँ पर फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ बाहर, थोड़ा सा मैं जा रही हूँ, सांसद जी जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पेड़ दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये नीम का पेड़ है और ये सांसद जी ने लगाया है अपने हाथों से। और फ्रेंड्स, मम्मी ने मेरी यहाँ पे मेथी बोई है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे अपुआ भी निकल आए हैं। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पर मेथी बोया हुआ है और देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी माता श्री जी बुआई कर रही हैं यहाँ पे। दोस्तों, माता जी ने पालक बोई हुई है और मेथी, तो आपने देख ही लिया वहाँ पे बोई हुई थी। तो देख लीजिए, मेरी माता जी को बहुत शौक है और डेविल भी मदद करवा रहे हैं साथ में। और सांसद जी भी आगे पीछे लगे हुए हैं, तो डेविल को आप देख सकते हैं, वो टांग उठा करके खड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी मुझे माता जी के साथ कहीं पर जाना है बाहर, और सांसद जी भी चलेंगे। तो सांसद जी को भी आप देख सकते हैं, वो कबूतर बुला रहे हैं, आह आह कबूतर। और डेविल भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग मुझे खिला रहे हैं या किसी और को। और सांसद जी देखिए मुस्कुराते हुए आते हुए। और ये देख सकते हैं मेरे बड़े वाले भैया हैं। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। पीछे से मेरे पिताश्री भी आ रहे थे। और यहाँ पर देख लीजिए, ओ फो, आज पूरा घर मेरा घर पे है। दीदी मेरी बैटिंग करने जा रही हैं और डेविल को देखिए, अरे रे 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 रे। तो फ्रेंड्स, हम लोग की ऐसी मस्ती चलती रहेगी। चलिए हम लोग थोड़ा आगे काम बढ़ाते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये भी क्यारी बनी हुई है ऐसे करके। और फ्रेंड्स, अब ठंडक शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे हवा भी, आज की दोस्तों हवा भी बहुत तेज चल रही है और धूप भी निकली हुई है। फिलहाल फाइनली सब कुछ मिला के अब ठंडक शुरू हो चुकी है, तो आपने नहाना बंद कर दीजिए। और नहाना मत बंद कर दीजिए, ठंडक से बचे रहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अमरूद भी निकल आए हैं, बट अभी खाने लायक नहीं है, वो छोटे छोटे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी आवाज़ दे रही हैं। चलिए फिर मिलते हैं, चलिए फिर मिलते हैं लोग। फ्रेंड्स, वैसे हम लोग कहीं घूमने खास जगह नहीं जा रहे हैं, बस जा रहे हैं हम लोग ऐसे ही टहलने घूमने, क्योंकि मम्मी ने कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, सभी लोग घर पे हैं। सो दोस्तों, भैया के साथ में हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही खेत देखने, क्योंकि मम्मी ने कहा चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग आलापुर साइड आए हुए हैं। फ्रेंड्स, इस साइड पूरा एकदम गाँव जैसा इलाका है, और आप देख सकते हैं चारों तरफ बस हरियाली हरियाली ही है। और फ्रेंड्स, इधर खेत वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, घर बहुत ही कम बने हुए हैं। और मेरे भैया तो रोज़ इतनी से आते जाते हैं, बट हम लोग का जाना नहीं होता है। और आज सांसद जी के जितने हम लोग जा रहे हैं घूमने घूमने करने, तो चलिए हम लोग सैर सपाटा पे निकलते हैं और एंजॉय करते हैं। चलाओ थोड़ा, ये रोड बन रही है, खराब रहे।
और फ्रेंड्स क्या आप व्यू देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम हम लोग किस साइड हैं, क्योंकि अगर आप बाराबंकी में रहते होंगे तो आप इस साइड ज़रूर आए होंगे। अच्छा मेरे भैया आए तो आप लोग भी आए ही होंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हम लोग किस डायरेक्शन में हैं, किस लोकेशन पे हैं। वैसे आपको पता होगा, मैंने बता रखा है पहले ही, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप काफ़ी दूर तक देख सकते हैं, सिर्फ खेती खेत नज़र आ रहे हैं और सब में आलू बोए गए हैं और बहुत सी जगह धान काटा जा रहा है, गेहूँ बोने का टाइम हो रहा है। तो सभी लोग देखिए अपने अपने खेत में लगे हुए हैं। वैसे मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से कोई नहीं है, और सभी में देखिए पानी लगाया गया हुआ है। और फ्रेंड्स दूर दूर तक आप व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, धूप भी नहीं निकली, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। इस टाइम हम लोग दोस्तों आलापुर से काफ़ी आगे आ चुके हैं, इसके बाद लखनऊ ही लग जाएगा। तो हम लोग घूमते घूमते बाइक से काफ़ी दूर तक आ चुके हैं और अब लोग धीरे धीरे वापसी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने घूम लिया। और दोस्तों भैया ने गाड़ी कहीं पे भी नहीं रोकी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी रोकने वाला कहीं था ही नहीं। तो हम लोगों ने बाइक पर बैठे बैठे घूमी घूमी की है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने काफ़ी हद तक काफ़ी दूर तक घूम लिया है, और फ्रेंड्स हम लोग आज आलापुर से काफ़ी दूरी तक घूम करके आए हैं। और उसके जस्ट बाद ही भैया बता रहे थे कि लखनऊ लग जाता है, तो मतलब हम लोग लखनऊ के आस पास थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र जैसा ही है, और भैंस भी पली हुई बहुत सारी, और आपने खेत तो देख ही लिया, काफ़ी दूर दूर तक बस खेत ही खेत था। और फ्रेंड्स हम लोग अब धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम लोग फैजाबाद रोड पे निकलने वाले हैं। तो हम लोगों ने गांव-गांव घूम लिया है, फाइनली अब हम लोग फैजाबाद रोड पे आ गए हैं। तो अब हम लोग घर की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स हम लोग फैजाबाद रोड होते हुए घर जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किनारे किनारे बस जंगल जंगल ही है रोड के किनारे दोनों साइड। और चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ, वो भी बाइक पे बैठे बैठे, क्योंकि भैया ने बाइक कहीं पे नहीं रोकी। तो चलिए अब हम लोग फटाफट घर पहुंचते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेरे घर के पास GGIC ग्राउंड में कल बालाजी का जागरण है, वो भी हर साल होता है, बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल जागरण है। तो हम लोग वहाँ पर भी जाएँगे, सांसद जी ने मुझे बताया था कि वहाँ पर जागरण होता है हर साल। वैसे मुझे नहीं पता था, तो मुझे इसी बार पता चला है और मैं इस बार ज़रूर जाऊँगी। तो चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं फटाफट। और फ्रेंड्स हो सकता है आज वहाँ पे तैयारियाँ हो रही हों, और क्योंकि उसी रूट होते हुए हम लोग घर जाएंगे, तो अगर रास्ते में होगा तो ज़रूर हम लोग देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं GIC ग्राउंड में तैयारियाँ चल रही हैं कल की, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा सजा हुआ है, तो आप भी देख लीजिए। फ्रेंड्स कल हम लोग यहीं पे आएंगे जागरण देखने। और फ्रेंड्स यहाँ पे हर साल बालाजी का जागरण लगता है, तो इस बार भी लगे।